इश्क कैसे होता है, जाना न था समझा न था, पर हो तो गया था। हीरो तो हम बचपन से थे, पर इश्क का मतलब हमें तब पता चला था। प्यार का होना, उसका परवान चढ़ना और उसका समर्पण। बहुत चाहने के बाद जिंदगी में खिलखिलाती हुई सी कशिश आई थी। कशिश का आना और यूं आना कि जैसे जैसे प्यार का हो जाना। आज वो ना जाने कहाँ है, पर मुझसे दूर है, बहुत दूर। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। यहाँ आपके लिए एक छोटी सी लव स्टोरी, मेरी और कशिश की। I love you too. कितने खुश रहते थे हम, जब तक सिर्फ हम थे और वो थी, जब तक हमारे बीच ये सिगरेट नहीं आई थी। बहुत मना करती थी वो। छोड़ दो इसे। छोड़ दूंगा। मुझसे प्यार नहीं करती ना तुम? खुद से ज्यादा। अच्छा तो फिर क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो तुम कहो। ठीक है फिर, छोड़ दो ये सिगरेट। लो छोड़ दिया, और कुछ? सचमुच मैंने सिगरेट छोड़ दी थी कशिश के कहने के बाद, पर फिर वही कमीना दोस्त छोटू। लौंडिया ने सारी नसें ढीली कर दी बच्चे की। अरे बीड़ी पी ले, सिगरेट ही पी ले, कौन सा अभी वो तेरे सामने है? इतना दबके रह जाना तो सारी जिंदगी दबा कर रखेगी तुझे। एक बार फिर जल गई सिगरेट, धुएं की ढेर से एक मुलाकात फिर हुई। क्या पता था धुआं जिंदगी को किस मोड़ पे ले जाएगा। तुमने फिर से स्मोकिंग की ना? हाँ। गहरा सदमा लगा था मुझे कशिश के जाने का। 18 साल की जिंदगी में पहली बार किसी बात से हर्ट हुए थे।
क्या है बाबू? आई एम सॉरी। बहुत सॉरी यार, बहुत सॉरी। कितनी बार मना किया, समझ नहीं आता। बच्चा आई एम रियली सॉरी। जब दिल से निकले ना तब सॉरी बोलना। साले मजनू हो गया तू? बे लड़की फोन नहीं उठा रही है तो जाने देना, बाद में कर लेना। देख तू लड़की के पीछे जितना भागेगा ना उतना वो तुझसे दूर भागेगी। कम भाव देना उसको, देखना खुद लौट के तेरे पीछे आएगी। चल सिगरेट दे। नहीं रे साला, समझ नहीं आता सिगरेट से प्रॉब्लम क्या है उसे। भाड़ में जाओ मजनू साले। तुम नहीं समझते, प्यार करते हैं उससे। हंसी आ रही तुम्हें साले? इट्स ओके बाबू, कोई बात नहीं, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद तुम सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगे। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम, अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। चलो जाओ आप कुछ खा लो। आई लव यू। कसम खाई थी मैंने कशिश की, पर सिगरेट छोड़ना हमारे बस में कहां था। धुएं ने जिंदगी को चला के रख दिया जब कशिश ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, बात करूंगी, लेकिन कम से कम एक हफ्ते बाद। क्या पता तब तक उसे एहसास हो जाए। उसने मेरी कसम खाकर भी मेरी कसम तोड़ दी। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। फोन पे फोन करता रहा मैं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैंने सचमुच सिगरेट छोड़ दी थी। आज 4 दिन हो चुके थे कशिश से बात हुए। मन बहुत परेशान था। मैंने उसे लास्ट कॉल किया, फिर उसके नाम एक खत लिखा। जब उसने कोई फोन नहीं उठाया तब हमने उसे जवाब दिया। बाबू आपको मिला मेरा खत? ये मेरा आखिरी खत है आपके नाम और सिर्फ आपके लिए। मैं जा रहा हूँ, आप परेशान मत होना मेरे जाने से। धुएं की जिंदगी में बंध गया था मैं, इसीलिए बार बार आपको हर्ट कर देता था मैं। पर अब हर बंधन से आज़ाद हूँ, बहुत दूर चला आया हूँ आपसे। आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। जिंदगी से क्या मिला, जिंदगी को क्या दिया, क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये रह जाती है ना कि जीवन भर आपके साथ रहने का जो वादा किया था वो पूरा किए बिना लौट आया। आप रात को तारों को देखकर कहते थे ना कि वो आत्माओं का झुंड है। मैं गुम गया हूँ उसे झुंड में बच्चा। कुछ बातें कहनी थी सो कहता हूँ। धुएं की लत ही वजह थी ना हम दोनों के बीच की दूरी की, उसी के बारे में। धुएं में मुझे अपना गुलाम बना रखा था जो आपको पसंद नहीं था। एक बात कहूँ,
जितने सतत से आपको चाहता ना, जितने दिल से आपको चाहता ना, उससे भी कहीं ज्यादा शिद्दत से चाहता उस धुएं को छोड़ना, पर कुछ करना सा। खैर, क्या मतलब इन बातों का, चलता हूं, अलविदा, मुझे याद रखना।